आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पकोड़े। इसके लिए हम आलू लेंगे और उसको इस तरह धो लिया, छील लिया और छोटे छोटे पीस में हम काट लेंगे। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसको अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में हम 1 कप बेसन लेंगे, उसमें डालेंगे हम नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी बेकिंग सोडा। अब हम इसको पानी की सहायता से गूंथ लेंगे। हम इसे पानी की सहायता से घोल बना लेंगे। अब हम इस घोल में ये आलू जो काट के रखे थे वो डाल देंगे और इसको इस तरह से डिप करते जाएंगे। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम उसमें इस तरह ये आलू बेसन में डिप करके छोड़ते हुए जाएंगे। इस तरह हम सारे भजिए डाल देंगे। इस तरह हम पलटा लेंगे उनको। पकौड़े गोल्डन कलर के हो गए हैं, हम इनको निकाल लेंगे। उनका आलू भी अच्छी तरह गल गया है, आलू अच्छे से गल गया है, इसका कच्चा नहीं है। आलू के भजिए तैयार हो गए हैं, तो गर्मा गर्म ग्रीन चटनी के साथ परोसिए। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी? बहुत इजी है, फटाफट बन जाते हैं, तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।